पर मनसुख, क्या मैं वाकई अमोल पालकर दिखता हूँ क्या? मनसुख, हेलो यार, मैं अमोल पालकर बन गया हूँ, तू क्यों शराबी का अमिताभ बच्चन बना बैठा हुआ है यार? चल शराब छोड़ दे। बचपन से लेकर आज तक छोड़ता ही आया हूँ जीवन। बैग उठाकर पढ़ने गया तो मास्टर ने कहा स्कूल छोड़ दे। बैट बॉल उठाकर मोहल्ले में गया तो बच्चों ने कहा खेलना छोड़ दे। स्कूटर उठाकर घर से बाहर गया तो पड़ोसी ने कहा मलाड तक छोड़ दे। और आज पापा ने कहा घर ही छोड़ दे। ए हेलो हेलो, मर जाएगा भाई, डाई हार्ड टाइम। ये दुकान ना मैंने मरने के बाद का सामान बेचने के लिए खोला हुआ है, मगर मैं मुर्दे नहीं उठाता। तू मुर्दे नहीं उठाता जीवन, और मैं अपनी बेइज्जती का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं यार। एक शादी नहीं करवा पाया मैं आज तक, एक शादी। एक दुल्हन भी मेरी वजह से फूलों से सजी गाड़ी में नहीं बैठी आज तक। ओ भाई साहब, अरे इसको कोई कंट्रोल करो, शी इज आउट ऑफ कंट्रोल। अरे शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, जीवन की बात है। तेरी जिंदगी सुधर जाएगी यार। चल पतली गली पकड़ के निकल ले। औरत इकड़े ओलस ना तू। चल वट ले। इंदु मैं क्या बोलता हूँ? देखा जीवन, मेरी वजह से एक और दूल्हा भाग गया यार। हाँ यार, तू जहाँ झांकेगा दूल्हा वहीं से भागेगा। अब बोल किसने किया ये? किसने? क्या किया लोगों ने? साले ने गाड़ी तोड़ दी। अब बैठिए, बैठिए गाड़ी में आप, नहीं भगतो, चलिए बैठिए आप। ए कौन है वे तुम लोग? जी मैं वो दुकान चलाता हूँ, यहाँ बैठ के दाढ़ी बना रहा था, बहन जी ने गाड़ी ठोक दी है ना। और तू? मैं मनसुख देसाई, लोगों का बैंड बजाता हूँ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओए खुल के बोल ना, खुल के बोल। हमारे यहाँ इसे शादी कहते हैं जी, मैं लोगों की शादियाँ करवाता हूँ। जी हाँ, यह है टीटी। 20 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर इनका राज है, मगर इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला। इसमें भी कोई राज है। टीटी के खिलाफ जो गवाह था वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब। मौत से आप एक बार बच सकते हैं, मगर टीटी से नहीं। देखिए टीटी कैसे बजाता है लोगों की सीटी, आज रात 10:30 बजे सिर्फ जागो भारत टीवी पर। हमारा नाम टी है, तात्या तुकाराम तेंदुलकर। जी सर, आपको कौन नहीं जानता सर? कौन नहीं जानता बताओ, अभी जान जाएगा। हमारा नाम तात्या तुकाराम तेंदुलकर ऐसे ही नहीं है। तात्या ने ताकत दी, तेंदुलकर ने शोहरत। इंदु की शादी के लिए ये पूछ रहा है कि तुकाराम ने क्या दिया? जन्म दिया बे, और क्या दिया? सुना है तुम शादी कराता है? हाँ सर। मेरी बहन इंदु को तो तुम देख चुके हो। लंदन से पढ़ाई किया है, 10वीं तक। 10वीं तक सर? वाह सर, 10वीं तक।
वरना आपकी बहन को पढ़ने की क्या जरूरत है सर? वही समझाता हूं कि एक जगह बार बार जाने से कोई इज्जत नहीं रहती, समझती नहीं है। बोलता जो तेरे को डिग्री चाहिए बोल, मैं घर पे लाके देता हूं। बड़ी जिद्दी है, बड़ी जिद्दी है। अब आप जैसे बड़े लोगों की बहन जिद्दी नहीं होगी सर, तो मनसुख थोड़ी होगा सर। देखो मनसुख, इंदु की शादी के लिए जो कुछ भी होगा ना अपन करेगा, लेकिन अपन को एक शरीफ खानदान चाहिए। शरीफ है ना शरीफ खानदान? शरीफ खानदान है सर, ले आऊंगा मैं। 10 दिन दीजिए मुझे, मैं शरीफ खानदान ले आऊंगा आपके लिए। बस 10 दिन क्यों? 13 दिन मां तेरी करवा कर निकलेंगे यहां से। जीवन, जब मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो बीच में मत बोला कर। अंकल है सर, जीवन 10वीं तक ही पढ़े ना, इसलिए मैनर्स थोड़े से कम है सर। 10वीं तक, लेकिन धौलतपुर म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से सर, लंदन म्युनिसिपैलिटी स्कूल में से नहीं सर। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे शरीफ खानदान का ही लड़का चाहिए। हाँ सर। ये लो 2 लाख रुपए एडवांस। और मनसुख, प्रॉमिस तोड़ने वाले लोग हमें पसंद नहीं है। दुनिया में चाहे हर काम अधूरा करो, लेकिन टीटी को प्रॉमिस किया हुआ वादा जरूर पूरा करो। हाँ हाँ सर, मुझे मालूम, मैं दिन रात टीवी पे न्यूज चैनल ही देखता हूँ सर। 10 दिन में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। नहीं तो टीवी पर तेरा बैड न्यूज आ जाएगा। 10 दिन में दूल्हा ढूंढना, नहीं तो उसके बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। 10 दिन, समझा? लड़की की फोटो, ये जी सुंदर है ना, जैसी हम चाहते थे वैसी। हिंदुस्तानी है। सोने है। इसका पियो क्या करता है? जी लड़की के पिता नहीं है, एक बड़ा भाई है। आप ही के जैसा काम है, पुलिस में है ना जीवन? पुलिस में? हाँ पुलिस पुलिस। क्या जी? पुलिस में जी, पुलिस पुलिस। कौन मेरा झूठ बोलता है? पुलिस वालों के डके था, चल चल। वो मेरा सियाता की डेरे। मैंने तो पहले ही कहा था कि गलत एड्रेस आ गए, तू ही लाए मुझे यहाँ पे। ये ताशी है भाई साहब। हाँ। ओ सॉरी, हमें तो काशी जाना। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हो गया? अरे ना ना ना, ये क्या कर रहे हो? ये तिहत्रे को लेकर नहीं गए थे? ये अच्छे लोग हैं, हमारी तरह रिश्ता लेकर आए हैं भतरे का मुंबई से। बच्चे का रिश्ता लाए? ये मेरी माँ है, मार्केट मंडेला कौर बाउजा अफ्रीका से लाए थे। जब से 73 गुम हुआ ना, तब से मेरी माँ घूम गई है। बाउजी सारा काम करता है, पैसे देते। ओए मनसुख, ओ तू यहाँ क्या कर रहा है? आपके लिए रिश्ता लाया हूँ पाजी, पुलिस वालों का। ओ बाउजी पुलिस वाले? ठंडे रखे, ना खुश होने की लोड़ नहीं है। बतरे की माँ, जा छोटी को ले जाओ, इनके खाने वाने का इंतजाम कर। ओहो जी चलिए। चलो भाई प्रणय, हो आप लोग भी कुकड़ मुर्गे पालो। अरे वेजिटेरियन ना, ते जाओ मूली पालो पहाड़। चलो भाई सुखी। हाँ जी। इनकी मालिश वालिश का इंतजाम कर यार। वो सब तो ठीक है, आपके यहाँ कोई कुत्ता तो नहीं है ना? नहीं नहीं, खुद ही काट लेते हैं कभी जरूरत पड़े तो। जी की कर रहे हो तुसी? की पुत्र, पुलिस खानदान में छिपा हो रहा है मेरा। ओए पुत्र, पुलिस वालों में भी चोर होते हैं, उन्हें लगता है पुलिस वाले हैं। लेकिन चाचा जी अगर उनको सच पता चलेगा तो हमारे खानदान की गिनती कम कर देंगे। बोल, अभी तक मेरे सीने के ऊपर 73 के गम का बोझ है। वाहे गुरु ने ये रिश्ता भेजा है, सच्चे पातशाह सब ठीक करेंगे, बस तू छेती छेती शादी कर ले। और मेरे हाथ में ना मेरा पोता 75 सिंह, दे 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 75 सिंह। ओए तू अपना हाथ देखना बंद कर, ते इसको देख जिसका तूने हाथ थामना है। ये तो पुलिस वाला है। आप ही ने तो कहा था ना कि शरीफ खानदान का लड़का चाहिए। hey! जो क्या ची आई बहन करुनो कोस, पुलिस खानदान में शादी कराएगा, अपन को जेल भिजवाएगा। तू गेला, तू आता गेला रे, गेला तू। वाह मिस्टर टीटी, वाह जीवन, तू बिल्कुल सही कहता था, इनकी बात बात और हमारी बात गधे की लात। शरीफ खानदान का लड़का होना चाहिए यही कहा था, और ये शरीफ है। ऐसा तो नहीं कहा था कि पुलिस में नहीं होना चाहिए?
अरे इतने कंडीशंस लगाकर तो वीजा नहीं मिलता जितने में आप जीजा ढूंढ रहे हैं। दूल्हा चाहिए स्टार कंडीशंस अप्लाई। एक तो आपके रेपुटेशन की वजह से वैसे ही आपके घर में कोई शादी करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बेचारा फंस जाता है तो आपकी बहन उसकी मां बहन एक कर देती। अरे आपको तो ऐसा लड़का चाहिए शरीफ होने के साथ साथ जो इंदू जी को संभाल सके। और ये बिल्कुल वैसा ही है, दिलेर है, खानदानी है, शरीफ है। इनकी शराफत के चर्चे इतने हैं कि इनकी गांव के बस में इनका नाम चलता है, टिकट नहीं चलता, लड़कियों की लाइन लगी हुई है इसके लिए। और ये भी वैसे नहीं मिला, झूठ बोला मैंने आपके लिए कि आप पुलिस में। क्या? हाँ, उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा क्या, तो मैंने कहा कि हाँ आप पुलिस में, और आपने मेरी इतनी मेहनत को पानी में कर दिया सर। ए भक्तावर गोली चला, पहले जीवन को मार फिर मुझे मार। ए, 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 ए। थाम। क्या बोला तू उनको कि मैं भी पुलिस वाला हूं? हाँ। मुझे मंजूर है। लेकिन तेरे इस झूठ का अगर किसी को पता चला और मेरी बहन की शादी तक कोई प्रॉब्लम आई तो तुझे एक सीख मिलेगी। कैसी सीख? वो सीख जो तुम दोनों के अंदर डाल के मैं सीख कबाब बनाऊंगा। जी सर। कब आ रहे हैं वो लोग? दो दिन। हैप्पी बर्थडे टू मी, da 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 da। कब तक तेरा बर्थडे जेल में मनाएंगे आजाद? फिकर ना को, नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे होएगा ना अपनी खोली में ही होएगा। क्या? अरे मैं बहुत जल्दी बाहर आ रहा, और तू देखना मैं सीधा घोड़ी पे ही जाएंगा, फिर नाला सुपारा में होएंगी शादी, बांग्लादेश में होएगा हनीमून। बांग्लादेश 3 साल से सुन रही मैं, अगर ऐसा ही रहा ना तो इस बार टीटी भाव एक पुलिस वाले के साथ मेरा लगन करा देगा। आजाद को हुल दे रही क्या? जा आशीर्वाद कर ले जा। नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं जानती है कि गुंडे की बहन का लगन एक गुंडे के साथ ही हो सकता है, वरना बाद में सच पता लगने पर प्रॉब्लम ही होगी ना। अरे तो जब उन लोग रिश्ते के लिए आएंगे तो बता देना सच क्या है। हाँ वेरी गुड, ताकि टीटी भाव भी तुम्हारे साथ इसी जेल में मिले। सारे पुलिस वाले साले। अरे तू टेंशन ना को, माइकल आ रहा है ना बाहर, बस। वैसे वो लोग भी कल ही जा रहे हैं, मगर उनका आना पक्का है। हा? अरे तो मेरा भी पक्का है ना, तू समझती क्या मेरे को? अरे लिख के दू क्या? वो लिख के दू तेरे को। ए नर्सरी फेर, तू क्या लिख के देगा बे? चिल्ला तक आएगा। अरे अरे केक तो खाने दे, अरे केक खाने दे, अरे अपनी शादी होएगी। आजाद और बताइए, आपकी घबराहट हो गई जी? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमें तो हुई नहीं जी, रस्ते में किसी को हुई हो तो पता नहीं। चंगा, आपके थाने का क्या हाल है? थाने के बारे में मालूम नहीं, हम तो जू में रहता है ना। बहुत सुना मतबले आपने अपना घर खूबसूरत बनाया जी, बहुत खून बहाकर बनाया ना। ए पसीना तेरा बाप बोलेगा, खून पसीना बोल, खून पसीना बहा के बनाया है। हेलो हिंदू आगे। ओबलमा लीजिए, लीजिए ना, लीजिए लीजिए, खाइए खाइए ना जी, खाइए।
मिले हिंदू को अंदर ले जाओ जी। चलिए बेबी चलिए ना। ओ बावरिया ये मेरे पैरों में छेद बना के मेरा तेल निकाल रही थी क्या? नहीं नहीं वो तो आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। हाँ वो चेक कर रही थी कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। क्यों जीवन? सर जी आपको उनका हर टेस्ट पास करना होगा। चिंता ना करो मैं हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा चाहिए मेरा ब्लड टेस्ट क्यों ना ले ले। आपके मुंबई में कोई और जगह नहीं है देखने लायक जो आप मुझे जेल दिखाने ले आइए। अंदर चलो। अब अंदर भी जाना पड़ेगा। क्या हो पुलिस वाले हो कि जेल से डरते हो? और तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए ले चले चाहे जेल में। ससुरकाल संतरी जी। 70, 71, 72 ये है आजाद। ससुरकाल बाजी। मेरा बॉयफ्रेंड जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। और आजाद ये है 72 सिंह पंजाब पुलिस में जो मुझसे शादी करना चाहता है। कैसे कैसे नमूना को लेते रहे आजकल पंजाब पुलिस में। तेरे जैसे पुलिस वाले ना आजाद की जेबा में पड़े रहते क्या? पाजी इस वक्त तो आप पुलिस की जेब में पड़े हो। शेर चाहे पिंजरे में हो शेर शेर ही होना और तू शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है समझा? मैं जंगलों के शेर से नहीं डरता। आप तो वैसे भी सर्कस के लगते हो। मुझे डर है अगर जोर से चिल्लाए मैं तो कहीं दो पैरों पे खड़े ना हो जाओ। लो जी खड़े भी हो गए। अरे तेरी तो अरे मैं बाहर होता ना तेरा खेल आज ही खत्म कर डालता मैं। तू है क्या चीज बे? नाम 72 जिला मलखानपुर गांव तासी। सर पे हाथ रबदा इधर देखो हाथ में 786। अगर आप बाहर होते ना तो बाबा जी से सिर्फ यही दुआ मांग रहे होते कि बाबा जी मैं आजाद क्यों हुआ। बहतर मैं तेरा खून पी जाऊंगा बोटी बोटी चबा जाऊंगा तेरी। पेट खराब हो जाएगा कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अरे मैं तेरे को बर्बाद कर डालूंगा साले तेरा खानदान मिटा दूंगा मैं। ओए काके साढ़े पंजाब में स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर भी 70, 71, 72 लिखा होता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसे मिटा दे। तू मेरा खानदान मिटाएगा मैं। अच्छा हुआ छाती पे मार के नहीं गया। जा साहिबान लोगों को बुलवान।